नमस्कार एवरीवन। सो हाउ टू गेट आउट ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले दोस्तों ये जान तो लें कि डिप्रेशन होता क्या है और ये क्या एक फिजिकल बीमारी है या मेंटल बीमारी है। ऑब्वियसली ये एक मेंटल स्टेट है जो एक ह्यूमन बीइंग अचीव कर लेता है। फिजिकली तो मान लो अगर आपको चोट लगती है या कुछ फिजिकल बॉडी में डैमेज हो जाता है, उसे रिकवर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो माइंड में डैमेजेस हुए हैं, मेंटल आपको डैमेज हुए हैं, उनको हम रिकवर कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास कुछ ऐसी टेक्निक हो जिसकी मदद से आप उसको रिकवर कर सकें। सो दोस्तों, जो डिप्रेशन है ये भी एक मेंटल स्टेट है जिसमें एक व्यक्ति किन्हीं कारणों की वजह से अनकॉन्शियसली या अननोइंगली घुस जाता है और उससे बाहर आने में उसको थोड़ी परेशानी होती है। तो आप इससे किस प्रकार से बाहर निकलते हैं? जनरली लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और वो वहाँ पर उनको कंसोल करते हैं, और बहुत सारे लोगों को उससे फ़ायदा भी होता है। अगर कुछ लोग ज़्यादा ही डीप ज़्यादा ही गहराई में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही डिप्रेस हो जाते हैं, फिर ऐसे लोगों को कुछ ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं जिसकी वजह से जो ब्रेन होता है उसका कुछ पार्ट काम करना बंद कर देता है और अब व्यक्ति के अंदर ज़्यादा सोचने की क्षमता रहती ही नहीं। अगर व्यक्ति 2-3 महीने तक कुछ ज़्यादा सोच नहीं पाएगा तो उसके पास पॉसिबिलिटी होती है कि वो डिप्रेशन से बाहर आ सके, क्योंकि उसका माइंड ऑपरेट करना बंद कर चुका है। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। और जो लोग बहुत छोटे लेवल पर अभी हैं, वो लोग किस प्रकार से इससे बाहर निकलते हैं? क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरी एक कज़न है जिनको कुछ इस प्रकार का इशू हुआ था और उनको मैं डॉक्टर के पास लेकर गया था। डॉक्टर ने बोला कि हमें इन्हें ड्रग्स पे रखना पड़ेगा। तो मैंने जब उनसे थोड़ी और जानकारी प्राप्त करी तो उन्होंने बताया मेरे को कि हम इनके माइंड को कुछ समय के लिए स्टॉप करके रखना चाहते हैं। बट लोग दोस्तों की क्या एक ह्यूमन बीइंग जिसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि उसका माइंड को किसी भी प्रकार से यूज़ कर सकता है, उसको हम बंद कर दें? ये बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है। और आपको क्या पता कि आपने 3 महीने तक उसको बंद करा या 6 महीने तक आपने उसको बंद करा, दोबारा से वो परेशानी नहीं आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारी की वो परेशानी कम्प्लीटली वैनिश हो जाए, बिकॉज जो विकार हैं वो माइंड के अंदर हमेशा रहने वाले हैं। जब तक आप उनको उठा उठा के देख देख कर उनको ख़त्म नहीं करोगे, वो विकार हमेशा वहीं पर बने रहेंगे। ये विकार असल में है क्या? डिप्रेशन जब हो रहा है तो हमारे अंदर कुछ ग्रंथियाँ बन जा रही हैं जिनका इफेक्ट हमें माइंड पे दिख रहा है। बहुत सारे इमोशन हमारे ऐसे होते हैं जो शरीर से, हमारे मन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो हमारे मन में ही स्टोर रह जाते हैं, जिनकी वजह से एक व्यक्ति एक मानसिक रोगी बन जाता है। सो इनसे आप किस प्रकार से बाहर निकल सकते हैं? इसके लिए अगर छोटी छोटी सिंपल योगिक प्रैक्टिसेस अगर आप करें तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि एक समय के बाद आप डिप्रेशन नामक या मानसिक जो स्थितियाँ हैं उनसे आप बाहर निकलने लगे हैं। तो आप अगर ये करना चाहते हैं कि डिप्रेशन से बाहर आना है या एंग्जाइटी से बाहर आना है, बहुत सारे लोगों के मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कमेंट पढ़ता हूँ कि मुझे एंग्जाइटी हो गई है, मुझे क्या करना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आप एक मैसेज कमेंट यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर रहे हैं कि मुझे एंग्जाइटी हो चुकी है, तो अवश्य आप इससे बाहर निकलने की क्षमता भी रखते हैं। पर आपके पास एक मेथड होना चाहिए। वो मेथड जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप अगर देखें कि हमारा जो माइंड है वो हमारे हमारी बॉडी के साथ हमारे माइंड का कनेक्शन केवल और केवल एक ही चीज़ के वजह से है, वो हमारा ब्रेथ। अगर हमारी ब्रेथ बहुत अच्छे से चल रही है तो आप देखेंगे कि हम लोग एक पर्टिकुलर स्टेट में रहते हैं, एक इस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ कामनेस में रहते हैं। अगर हमारा सांस बहुत लंबा चल रहा है तो आप देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा काम आपका जो स्टेट होगा वो बहुत ज़्यादा आप शांति में रहने वाले हैं। लेकिन अगर आपको कभी गुस्सा आया हो तो आप देखोगे कि जो आपकी सांस है वो बहुत तेज़ चलने लग जाती है। सो डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड्स के लिए हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो अलग अलग होता है। अगर हम इसका रिवर्स कर दें कि हमें अगर एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड को अचीव करना है तो हमारा जो ब्रेथ है वो उसी हिसाब से चलना चाहिए, एक पर्टिकुलर तरीके से चलना चाहिए। तो हम लोग योगा में यही करते हैं कि हम अपने जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको चेंज करते हैं या उसको उस स्टेट ऑफ माइंड तक लेके जाना चाहते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो हम अगर योगा में बात करेंगे तो नाड़ी शुद्धि नामक एक चीज़ होती है जिसमें हम बहुत इजी ब्रीदिंग टेक्निक को इस्तेमाल करके अपने माइंड पे डायरेक्टली काम कर सकते हैं। सो नाड़ी शुद्धि की मदद से हम लोगों का जो माइंड है वो काम हो सकता है।
बहुत बहुत ज़्यादा काम डाउन हो सकता है। इसके साथ साथ अगर हम पर्टिकुलर तरीके के साउंड्स अटर करें, इससे क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जीज का फ्लो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। और दूसरी बात, जो साउंड है उसकी वजह से कुछ वाइब्रेशन इंड्यूस होते हैं, उन वाइब्रेशन का इफेक्ट भी हमारे ऊपर पड़ता है। हमारे शरीर के अंदर भी वाइब्रेशन जब इंड्यूस होंगी तो हमारी जो एनर्जी है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती है। लेकिन उसके लिए आपके पास सही तरीके के साउंड्स होने चाहिए जिनको आप अटर कर सकते हैं। ये साउंड कौन सा है जिसको आप अटर कर सकते हैं? वो है ओम चैंटिंग, ओम नहीं ओम। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप कितनी देर आपको ये करना चाहिए, नाड़ी शुद्धि अगर आप करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग 5 मिनट से करें सुबह और शाम। और ओम चैंटिंग भी आप हो सके तो 21 टाइम ओम चैंटिंग करें सुबह और शाम। लेकिन धीरे धीरे आप इसका समय बढ़ाएं और आप देखेंगे कि एक समय के बाद आपके दिमाग में जो ग्रंथियां थी वो धीरे धीरे खुलने लगेंगी और बहुत सारी चीज़ जिनकी वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड रहते थे या डिप्रेस्ड रहते थे उनसे आप बहुत इजीली बाहर आ सकते हैं। बहुत इजीली ही बाहर आया जा सकता है। ऐसे लाखों लोग हैं जो बहुत आसानी से इन चीज़ों से बाहर आए हैं। और अगर आप किसी भी मेडिटेशन टेक्निक में जाएंगे, जनरली वो लोग ब्रेथ पे ही काम करते हैं। स्टार्टिंग हमेशा ब्रेथ से ही होती है, बिकॉज जो हमारी ब्रेथ है उसने ही हमारे माइंड या नॉन फिजिकल को हमारी बॉडी के साथ बांध के रखा हुआ है। अगर सांस ख़त्म हो जाती है तो केवल बॉडी बचेगी, माइंड कहीं और चला जाएगा, माइंड लीव कर जाएगा। दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो ब्रेथ है। ब्रीदिंग पे हमेशा इसलिए काम करवाया जाता है। और जो लोगों को भी जितने भी साइकिक प्रॉब्लम्स हैं वो इजीली ब्रीदिंग टेक्निक की मदद से और कुछ साउंड्स की मदद से रिमूव करी जा सकती हैं। छोटे लेवल पे तो आप बहुत इजीली ख़त्म कर सकते हो इनको। और जो लोग कहीं पर जाके कोई प्रैक्टिस सीखना चाहते हैं तो वो लोग शांभवी महामुद्रा सीख सकते हैं। शांभवी महामुद्रा करके बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग, मतलब इस स्टेट से बाहर आए हैं। मैं अगर खुद की भी बात करूं तो वैसे तो दुनिया में अधिकतर लोग जो है वो किसी न किसी, उनका जो माइंड है वो स्टेबल नहीं है। छोटी सी चीज़, छोटी सी घटना अगर उनके सामने घट जाए तो क्या होता है कि माइंड जो है उस घटना को लेकर हज़ारों बातें बनाता है, हज़ारों बातें बनाता है, हज़ारों थॉट आपके माइंड में इंड्यूस होते हैं। ये अननेसेसरी थॉट आना भी बीमारी ही है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो पहले के कंपेरिजन में, 4 साल पहले मैंने जब शुरू करा था उसके कंपेरिजन में अगर मैं अब अपनी बात करूँ तो मेरे माइंड में फालतू के थॉट्स नहीं आते हैं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आते भी हैं तो मुझे पता चल जाता है कि ये थॉट राइज हो गया है, मुझे इसके साथ जुड़ना नहीं है, इस थॉट को मैंने एनर्जी नहीं देनी है। इस लेवल की अवेयरनेस आपके अंदर आने लगेगी और धीरे धीरे आपकी बॉडी एक स्टेट ऑफ ब्लिस में रहने लगेगी। आप कोशिश करें, अगर हो सके तो शांभवी महामुद्रा सीखें। अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो फिलहाल के लिए आप नाड़ी शुद्धि और ओम चैंटिंग करें। देखना 2 महीने की प्रैक्टिस के बाद, कब 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद भी आप चीज़ों से कुछ हद तक बाहर आ सकेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों तक भी शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी सपोर्ट हो और मैं आपके सामने इससे भी बढ़िया वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।